विजया तो भागे जा रही है भाई, रुक ही नहीं रही मेरे लिए। गुड मॉर्निंग, डे टू इन गिरी आइलैंड। तो गाइस आज का प्लान है एक स्नॉर्कलिंग ट्रिप करना। यहाँ पे होती है थ्री आइलैंड स्नॉर्कलिंग ट्रिप, उसके अंदर तो यहाँ के तीनों आइलैंड है गिली के, वो लेके जाते हैं, उनके आसपास जो स्नॉर्कलिंग स्पॉट्स हैं वहाँ लेके जाते हैं। तो अभी 8:30 बजे हैं और 9:30 से स्टार्ट होती हैं सारी ट्रिप्स, तो हम मेन जगह जा रहे हैं तो वहीं से बुक कर लेंगे और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे है ये गिली मार्ट, वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक रिजनेबल मिल रहा है चीज़ें, तो कॉफ़ी और कुछ कुछ खाने का लिया है अभी। गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं फ्रूट सैलेड और हमने मार्ट से कुछ कुछ ले लिया था कॉफ़ी और ये। तो बस अभी 9 बज गए हैं और 15-20 मिनट में हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने जो ट्रिप बुक किया है वो किया है 120,000 पर पर्सन में, मतलब 600 रुपये पर पर्सन का है। थ्री आइलैंड स्नॉर्कलिंग ट्रिप जो होता है उसके अंदर सब इंक्लूड रहता है, जैसे कि जो भी गेयर्स हैं और ये सब। तो बस स्टार्ट होने वाला है, मेन एक्टिविटी है यहाँ की इस गिली जाने के बाद वो। फिंस दे दिए गए हैं और हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो हमारे साथ जाएंगे, तो अभी यहाँ से सबको आएंगे बोट पे लेके जाएंगे, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं साइन वाइन और वो सब करके। ग्लास बॉटम भी है बीच में थोड़ा, सही है। ये स्नॉर्कलिंग गियर दे दिया गया है, वो भी रेडी हो जाए थोड़ी देर में कूदने के लिए। अभी हम हैं गिली मैनो पे, इसके पास ही वो स्टेचू थे जो अभी हमने स्नॉर्कलिंग में देखे, और अभी हम जा रहे हैं गिली मैनो में एक लेक है सॉल्ट वाटर लेक, वो देखने जा रहे हैं। चल चलने का मतलब नहीं आगे, गीली मैनों पर रिलैक्स किया जा रहा है। मस्त पानी तो मस्त है, मस्त लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी खाली खाली है ये यहाँ पे, बस हमारी ट्रिप वाले और 2-3 जो आए वही लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनसाइड भी कुछ बना नहीं है। रेस्टोरेंट पे हमको ले गया है, यहाँ पे आप खा सकते हो। अभी हमने शावर लिया और वॉशरूम भी यहाँ पे सही है, अभी रिलैक्स करते हैं और फिर शायद तक कहाँ लेके जाते हैं, डायरेक्ट शायद तक जिलीटी लेके जाएंगे आई गेस। ऐसे खाया, थोड़ा तो कॉस्टली है यहाँ पे, तो वो सब हो गया। अभी हम गिली एयर का बीच थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ी देर में शायद तक निकलेंगे यहाँ से। अभी बज गए हैं दोपहर के यहाँ के लोकल टाइम के, और एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि गिली टी और गिली आइलैंड्स पे लोग बॉलीवुड में थोड़ा दिखते हैं ज़्यादा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी हाय जो भी जैसे कि बात कर रहा है हमसे लोकल, वो कुछ ना कुछ हिंदी वर्ड बोल के बोल रहा है। फ्रॉम इंडिया शाहरुख खान के फ़ैन है भाई लोग, काजोल शाहरुख खान का क्रेज़ भाई अलग ही है।
इतने टाइम से मूवी नहीं कर रहा है तो भी I could stay here lost in this moment forever. And every moment's been with you. It's a moment of tension. Right here. Beautiful. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. गिलीटी पे और अपने पिन सभी लौटाने हैं हमको, तो स्नॉर्कलिंग मास्क और लाइफ जैकेट तो बोर्ड पे मिलता है। तो सही है, इसकी वजह से काफ़ी ईजी हो गया। हमने इसके पहले जहाँ भी किए हमको फिन कभी नहीं दिया स्नॉर्कलिंग में, ये यहाँ पे फॉर्मेलिटीज हो गई। तो हमने यहाँ से किया था सीमोस एंड कॉरल वॉइस, अच्छा था इनका काफ़ी। अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट? अभी कुछ खाना है यहाँ पे, जिलेटो वगैरह खाना मिलता है। किसने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे? अच्छा, साइकिल कहाँ से मिलेगी? स्ट्राइक लिया मार्ट से, अब जाएंगे होटल, साइकिल रेंट कर लेते हैं। गाइस हमने बाइक रेंट पे लिया है, कल तक के लिए ले लिया है, कल शाम तक के लिए, रात के लिए। तो ये करीब अपने को पड़ा है कुछ दोनों का मिला के 80,000 में, मतलब 400 रुपये में। तो 200 रुपये पर पर्सन, ठीक है, 100 रुपये पर डे। अगर दो दिन के लेने पे थोड़ी लग रहा है मुझे रिजनेबल दे दी उन्होंने, नहीं तो एक दिन का लेने पर थोड़ी महंगी पड़ती है 150 रुपये की। विजय चला रही है, मज़े आ रहे हैं उसको। तो गाइस अभी साइकिलिंग करके जा रहे हैं जो मेन एरिया है वहां पे। ज़्यादा सही फीलिंग है यहाँ पे बाइक चलाने की। वैसे तो अभी इंडिया में तो साइकिल चलाने का इतना मौका मिलता नहीं है। चश्मा ऊपर का ऊपर रह गया भाई। विजय तो भागे जा रही है भाई, रुक ही नहीं रही है मेरे लिए। चलेगा ना, मैं तो ऐसे ही चला के आ रहा हूँ कब से। हाँ ऐसे ही आ रहा हूँ मैं, पूरा रिकॉर्ड करते हुए सुपरवाइज करके रखा है मैंने। कुछ ऐसे रास्ते पे आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड होती है, तो आपको फिर उतर के चढ़ाना पड़ता है, बट ठीक है, फन। आवाज़ पता नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे, मस्त हवा। पीछे दिख रहा है आपको जिम है मस्त, यहाँ पे देखो सब वर्कआउट कर रहे हैं। नाइस जिम, हाँ। जो भी को एक मस्त से बीच पे
सब्जी की दारू नॉर्मल रेट पे दारू एक मार्केट से खरीद के शॉप से खरीद के पीने का मजा ही कुछ अलग है, रेस्टोरेंट वालों को एक्स्ट्रा रुपये ना देने का। एक इन्फ्लेटेबल काउच देना हर जगह ले जाके उसको बुला के। वो तो आप काफ़ी लोग इधर बैठे हुए हैं फेमस, कभी कभी वहाँ बैठने का भी मज़ा रहता है, वही दिन दिन की बात होती है ऐसा है। कभी फाइव स्टार कभी आहा।